फोटो पर बात करें, एमएलए साहबान बुलावांगे, प्रॉपर फोटो दे। हुण मैं बेनती करूंगा कुमर विजय प्रताप जी नूं कि वो अपने दिल के बलबले प्रेस नाल, मीडिया नाल, पंजाबियां नाल, पूरी दुनिया च इस वक्त देखा जा रहा है, सांझे करन। कुमर विजय प्रताप अमृतसर के इस पवित्र धरती को मैं नमस्कार करता हाँ, प्रणाम करता हाँ। इस मिट्टी ने मैनू वो सब कुछ दिता जो एक इंसान ने हर वो चाहता। आज असं बैठे हुए हाँ इतने, मैं धन्यवाद करता हाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि आज इतने तशरीफ लाए हैं। असं एक नवी शुरुआत कर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हाँ सरदार भगवंत मान जी का, अपने जरनेल सिंह साहब का, राघव जथा जी का, अपने लीडर ऑफ अपोजिशन सरदार हरपाल सिंह जी चीमा का, समुची लीडरशिप सारे एमएलए साहिबान बैठे हुए हैं। मैं सारे का धन्यवाद करता हाँ, मीडिया का धन्यवाद करता हाँ, अमृतसर के जिन्हें भी बसनीक ने, जो नागरिक ने, लोग ने, आज देखो सारे की इच्छा सी कि वो इस समागम का हिस्सा बनन, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है इस करके असी किसी ने नहीं बुला सके। मैं खेमा का भी याचक हाँ, क्योंकि वो सारे मेरे जो जिन्होंने मैंने इतने तक पहुँचाया है वो आना चाहते सी, लेकिन वो नहीं आ सके। आज देखो असी कोई राजनीतिकरण नहीं जा रहे हैं। राजनीति असी देखो 70 साल हो गए देश में, 70 साल तो ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, ठीक है। 15-20 साल तक ठीक राजनीति चली, राजनीति ठीक चली, उस तो बाद देखो लुटेरिया का राज हो गया। खास करके पंजाब दे विच देखो ये चरम सीमा पर पहुँच गया। 9 तारीख जो दिन सी 9 अप्रैल फ्राइडे इवनिंग, यह पंजाब के इतिहास के विच काला दिवस के रूप के मनाया जाऊगा। जेकर पंजाब की धरती के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं इंसाफ नहीं मिल सकिया तो एक आम व्यक्ति की कि हालत होगी तुसी सोच सकते। जदों गुनाहां दा हिसाब देन की बारी आई तो रिपोर्ट नूं पेश कराया गया, जो कि बार बार पूछते हैं कि तुसी इस्तीफा क्यों दिता। देखो इस्तीफा इस करके दिता कि असी 2-2.5 साल मेहनत की, मेहनत करने तो बाद जदों रिपोर्ट फरीदकोट की मानयोग सैशन अदालत के सौंप दी गई सी, उत्थे कार्रवाई शुरू हो गई सी, ट्रायल शुरू हो गया सी, रिपोर्ट पई है देखो तुसी फरीदकोट दे विच, ऑर्डर आ रहे हैं चंडीगढ़ों। साढ़े सरकारी वकील भी नहीं जेकर बोल सकते कि रिपोर्ट फरीदकोट दे विच पई है, तुसी रिपोर्ट नूं चंडीगढ़ मंगा लो, मंगाने तो बाद तुसी उहदे उत्ते फैसला करो। जिस दिन ऑर्डर आना है उस दिन साढ़े मानयोग एडवोकेट जनरल साहब बीमार पै जाते हैं। मान लो बीमार पै गए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई वकील उत्थे खड़ के बोल सकता सी कि एडवोकेट जनरल साहब बीमार ने, वो आप बहस करेंगे। लेकिन जिस तरीके दे नाल होया सारा पंजाब दे सामने उस रिपोर्ट दे विच, वो देखो मेरी जिंदगी दा ये सब तो अहम इन्वेस्टिगेशन सीगा। मैं शुरुआत तो ही जिस दिन नौकरी ज्वाइन की, एक छोटी सी गल करना चाहुंदा हाँ। जो मैं SP City इत्थे आया, पहला ASP आया सी, इसे अमृतसर की धरती तो अपनी नौकरी शुरू की 1999 दिसंबर 2002 के जो बतौर ASP इतने आया, मैं काम करना शुरू किया। मेरे एक सीनियर अफसर ने इतने मैंने बुला के ये गल कही कि तुसी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो जी। मैं क्या कि थोड़ा मतलब की है? उन्होंने कहा कि देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं क्या कि नहीं, ये जंगल नहीं है। जेकर असी क्लेम करते हैं कि कश्मीर तो लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है तो जंगल ना समझो। मैं बेशक पटना साहब की धरती तो आया हाँ, तो मेरे वास्ते एक खुशकिस्मती की गल है कि पटना साहब की धरती तो सीधे मैं अमृतसर साहब की धरती से आया। तो तुम देखो मैं उन्होंने ये कहा कि जेकर तुम जंगल भी इनू समझते हो तो असी जंगल के बीच मंगल जरूर करांगे, ये मैं वादा किया सन 2002। मैं अमृतसर की जनता का पूरा साथ मिलिया, विश्वास मिलिया। मैं भी कोशिश की थी कि उन्होंने विश्वास के उत्ते एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में
मैं एक सिर्फ पुलिस अफसर के रूप में काम नहीं किया, मैं एक अमृतसर के लोगों के परिवारिक मेंबर के रूप में काम किया। इतने के लोग मैं हर परिवार अपने घर का परिवार का एक मैंबर इतने समझते हैं। मैं गल अपनी कंक्लूड करना चाहता हाँ कि असी राजनीति की शुरुआत कर रहे हाँ, वो राजनीति नहीं जो तुम वेखते आए। राजनीति नवी दिशा देनी है, राजनीति डिफिनीशन ही एक बदल देनी है। जो राजनीति का असल डिफिनीशन होंदा है वो डिफिनीशन असी करके दिखावांगे कि राजनीति होंदी की है। तुसी दिल्ली दे विच देख सकते हो कि साडे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल बहुत वधिया काम किया है। उत्थे दी मतलब जनता का तुसी देखोगे तीसरी बार उन्होंने जिताया ते अज भी वो सारे तारीफ करदे ने। वो मेहनत का नतीजा है, वो विजन का एक नतीजा है, वो इन्हों का विजन है। हुण तुसी देखो उत्थे पावर कितना है, 40-45% पावर है दिल्ली सरकार दे कोल। तुसी देख सकते हो एक कानून दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पावर नूं घटाउण वास्ते, फिर भी तुसी देख रहे हो कि इन्ना ज़्यादा काम हो रहा है। तो पंजाब वर्गे सूबे दे विच जिथे 100% पावर होगा, तुसी देख सकते हो जनता का पावर जनता के हाथ के विच रहेगा, जनता का पावर जनता के हाथ विच रहेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी। हर पासे तुसी देखोगे लोग अपना पावर अपनी ताकत खुद बरतेंगे। आम आदमी पार्टी का यही मकसद है कि आम जनता जो है वो अपनी शक्ति जो है अपनी ताकत है आप बरत ले। तो असं वो पंजाब दे विच वो करना चाहते हाँ जो हिंदुस्तान देखेगा। तो इत्थे जो क्रांति आएगी तुसी देख लेना पूरे हिंदुस्तान दे विच जानी है। एक शुरुआत हो रही है, एक नवी शुरुआत है। इस चीज़ नूं असीं ये कह रहे हैं कि देखो जो असीं नहीं कर सके, जां लूट खसोट तुसीं देख रहे हो पंजाब दे विच जो लूट खसोट इन्ने सालों तो चलता आ रहा है, हर तरीके का माफिया, जो माफिया असीं सोचते भी नहीं सीगे सुनते भी नहीं सीगे उस माफिया का राज हो गया है। तो पता नहीं चलता कि यह माफिया है कौन, इधर उधर पार्टियां का भी पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी दे विच है, राज किस पार्टी का है, ऑपोजिशन किस पार्टी की है। ये सारे रल मिल के जो ये रिपोर्ट क्वेश कराई गई मैंने पूरा मैं वेख लिया कि हाँ किस तरीके दे नाल जिहड़े दोषी ने वो दोषी ही सरकार नूं डायरेक्ट कर रहे हैं, दोषी ही सारा कुछ करवा रहे हैं। इस करके असीं यह सोचा कि एक रिवोल्यूशन लेके आना बहुत जरूरी है। तो वो रिवोल्यूशन सिर्फ पोलीटिकल रिवोल्यूशन के नाल आना है, वो पोलीटिकल रिवोल्यूशन जनता ने लेके आना है। जदों जनता जागरूक हो जाएगी देख लो सारा पोलीटिकल रिवोल्यूशन आएगा। इस रिवोल्यूशन के भी बच्चा बच्चा हर वर्ग का हर उम्र का व्यक्ति हर नागरिक इस शामिल होगा। एक मुहिम होगी, एक मूवमेंट होगा जिसके हरेक व्यक्ति की सहूलत होगी। इस करके असी इस रिवोल्यूशन नू इस अमृतसर की धरती तो शुरुआत कर जा रहे हाँ। तो असी आस करते हाँ कि आम पब्लिक का पूरा सहयोग मिलेगा, आम पब्लिक नू अपनी ताकत बचाने का मौका मिलेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी। ता ही गुरु नानक देव साहब ने कहा सी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ते सरबत दे भले वास्ते असी काम करना है, सरबत दे भले वास्ते काम करना है। असी किसे एक मतलब ये नहीं है कि ए बी सी डी कैटेगरी वास्ते ये काम करना है। देखो इतने हर व्यक्ति नू खुशहाली, हर व्यक्ति नू इंसाफ, इंसाफ भी एक तुसी देखोगे ना बहुत बड़ी चीज़ होंगी है। जेकर इंसाफ डिनाई हो जाता है तो उत्थे जाके सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इस करके सारिया नू इंसाफ मिलेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी, चढ़दी कला रहेगी। पंजाब की इस धरती नू तुसी देखो, इनू सिर मोर कहा जाता सी, पूरे भारत का सिर मोर हुंदा सी। आज पंजाब बहुत थले चला गया है हर एक खेत्र दे। असी बहुत छेती इस पंजाब नू समुन्नत करांगे, पंजाब तरक्की करेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी और इस दे विच जनता का हर नागरिक सामने आएगा। वो आपे अपना काम करेंगे, अपना पावर इस्तेमाल करेंगे, असी एक जरिया के रूप में भी काम करेंगे। मैं एक बार फिर श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हाँ, सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का, समुची लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी की, थोड़ा सारे का धन्यवाद। असी एक परिवार के रूप में काम करांगे, जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं बहुत वधिया तरीके दे नाल कोशिश करांगा कि मैं पहला भी पुलिस दे नौकरी दे विच रह के मैं आम जनता दे नाल एक परिवारिक तौर पर काम किया। तो मैं इस आम आदमी परिवार दे विच भी एक परिवार का मैंबर बन के काम करांगा। तुसी जो भी ड्यूटी लगाओगे जो जिस तरीके दे नाल
मैं वादा कर रहा हूं कि बहुत चंगे तरीके दे नाल लूंगा वोटर सारिया दा बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।